मैं एक बार नहीं कर सकता। ख्वाजा साहब से भी शामिल कर लूं सर, मदर साहब एक मिनट, ख्वाजा साहब से भी शामिल कर लूं, क्योंकि थोड़ा, क्योंकि सिंध हुकूमत में तो पीपल्स पार्टी की वैसे ही हुकूमत है, और सिंध में खास तौर पे। तो खास साहब क्या देखते हैं सर, एक तो पाकिस्तान में जो इस वक्त जो इकदाम किए जा रहे हैं वो हौसला अफजा है और तसली बख्श है बहुत से मामला, और गड़ी खुदा बख्श में पहले तो ये 4 अप्रैल को पिंडी में जलसा होना था तो वो मंसूख कर दिया गया, क्या घड़ी खुदा बख्श में कोई जलसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सबसे पहले तो फारूक भाई आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया प्रोग्राम में, और शहीन भट्ट साहब और नजर भाई को भी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आपने जो पहले बात की कोरोना की, ये तो फारूक भाई एक ऐसी बीमारी है जो किसी रंग नस्ल सबसे पाक है, ये किसी को भी लग सकती है, कोई भी किसी को लगा सकता है। इसमें ये कोई कैद नहीं है कि कौन लगा रहा है कौन नहीं, लेकिन सिर्फ इसका एक ही हल है, वो बचाव है। इवन के वैक्सीन के बाद भी ये सुना गया कि आप फिर भी 3 शॉट्स लगाने का, भी तो लोगों को एक एक शॉट्स लगा है, उसके 3 शॉट्स लगाने के बाद भी लोगों को जो है वो, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको नहीं हो सकता, आप हो सकता है। आप ये देखेंगे जो बात की भट्ट साहब ने भी और मगर साहब ने भी, कि पाकिस्तानी आवाम के अंदर जो इम्यूनिटी है वो वाकई बहुत ज्यादा इम्यूनिटी नजर आती है। उसकी वजह आप ये देख लें कि 6.5 लाख 7 लाख के करीब केसेस हुए हैं, और 6 लाख के करीब, 6.5 लाख तक अभी लोग रिकवर भी हो चुके हैं, और 14 साढ़े 14 हजार टोटल डेथ्स हुई हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें यूके के साथ या अमेरिका के साथ, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेथ्स हुई हैं। ये अल्लाह ताला का फजलो करम है हमारे ऊपर, और फिर थोड़ी सी गैर संजीदगी भी है हमारे अंदर, इसको और भी हम कम कर सकते थे। अभी भी हालांकि बहुत ज्यादा अभी अब कह रहे हैं फैला हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। बाकी कंट्रीज के अगर आप कंपेरिजन करें तो अभी भी बहुत कम है। हमारे जो रवैये हैं मिनहसल कौम, इसको सियासत से हट के भी मिनहसल कौम भी हमारे जो रवैये हैं वो इतने अच्छे नहीं है। फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ हो रहा है, तो वो जो सरकारी मौलवी साहब है और ताहिर अशरीफ साहब, उन्होंने जो अभी बयान दिया कि जी आप तराबियां भी पढ़ें और ये भी सारा कुछ मामूल के मुताबिक ऐसा चीज के मुताबिक होगा, तो ये रफी साहब को भी सोचना चाहिए कि हमारी आवाम कितना एक SOPs फॉलो कर रही है, या आप कितना एक SOPs फॉलो करा सकते हैं। फिर जो दूसरी बात टेस्टिंग के हवाले से की गई, टेस्टिंग भी कोई इतने मैस नहीं हो रही। टेस्टिंग टेस्टिंग होगी तो उसके बाद ही आपके सामने नंबर्स आएंगे कि कितने लोग हैं और कितने नहीं है। और सियासत की बात मदर भाई ने की कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ होनी कोविड पे सियासत चाहिए। देखें सियासत होगी तो उसका कोई रिजल्ट बेटर निकलेगा। आपने पहले देखा कि जो अल्लाह ताला के फजलो करम के बाद जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान एक कोरोना के ऊपर सियासत थी, उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत जब आवाम में ये बात पहुंची तो थोड़ा लोगों ने आपस में कोई उसको बेहतर करने की कोशिश की और बेहतर रिजल्ट मिले। बाकी चीजों में भी सियासत होनी चाहिए, और इसमें भी सियासत होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए सियासत? और मैं तो ये समझता हूँ बात कि तो सियासत बिल्कुल सही, जो दूसरी वाकई बात जो आप सही रूह है सियासत की वो तो है ही नाम कि आप अपने मसाइल के लिए तदाबीर ढूंढें, लेकिन पाकिस्तान में जो और दूसरी सियासत गाली बना हुआ है, इस वजह से शायद उन्होंने कहा हो कि सियासत बना रही हो। तो जी जी हाँ, खान साहब, झूठ दूसरी बात बोलना, तो झूठ बोलना, लोगों उसके साथ दगा करना, फ्रेब करना, जादो जी हाँ, शुमार जो मेरी है उस सियासत पे, का एक अलग ही मतलब है कि धोखेबाजी करनी, जी, ये सब कुछ जो, ये इसके हर इसको हर चीज इसको पे प्रोज सियासत एंड कॉन्स कहते है। हैं आप कोई पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी ले लें, कोई चीज ले लें, किसी भी चीज ले लें, उसका अच्छा इस्तेमाल माल भी अगले करें। दिन ये बात मदर साहब की ठीक। ठीक है। फिर दूसरी बात आपने जो गड़ी खुदा बख्श की, तो बाकी पिंडी में जलसा होना था हमारा, लेकिन चेयरमैन साहब ने, बिलावल साहब ने कहा कि आप, हम उसको गड़ी खुदा बख्श में करेंगे, लेकिन उसको बहुत उधर भी जो है, ये नहीं कि प्रॉपरली जलसा होगा, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा इसको इंतहाई अच्छा लिमिटेड करेंगे, और वो उसको 100% कोशिश करेंगे कि ऐसा चीज को, क्योंकि उनको सिंध गवर्नमेंट ने मशवरा दिया कि आप इस वक्त जो वेव है वो बहुत हाई है, और आप इस टाइम ये ना करें जलसा, तो इस वजह से हमने कैंसिल किया। और उधर भी जो गड़ी खुदा बख्श में वो, तो वो भी इंतहाई लिमिट से जलसा नहीं होगा, एक इज्तिमा होगा, ठीक बरसी है की तकरीब होगी। और उन्होंने ये कहा कि आप अपने डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे जो है वो ट्राई करेंगे, उधर करने की कोशिश करें, और वो भी लिमिटेड SOPs के साथ करने की कोशिश बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया खान साहब। जी खान साहब, माजरत अब आप ही के पास के ठीक है, जरदारी साहब ने जो उन्हें करें। फरमा रहे हैं इस मैच पे आके, या अब जो स्टांस है पीपल्स पार्टी का वो भी एक वैलिड है कि आप आए सियासत को जारी रखें और ये तोड़ फोड़ की सियासत
ना उन्होंने पहले की, ना आप करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त क्यों, जब आपने सब कुछ गेन जो करना था पीडीएम से वो कर लिया, वोट ले लिए आपने, सब कुछ बार्गेनिंग हो गई, तो अब आप कह रहे हैं इवन अपोजिशन लीडर बनने के लिए भी आपने कहा कि नहीं हम ही बनेंगे, तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ पीडीएम की पूरी तारीख को? जी खास सर जी फारूक भाई, जैसे आपने एक बात की, पहले तो मैं कोरोना वाला थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि जैसे आपने पहले देखा कि जो बैड गवर्नेंस थी उनकी, वो तो सारी चलो नजर आती है, लेकिन फारूक भाई मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी मीडिया समेत जिधर भी दुनिया भर का वो मीडिया है, आज जो इस मुशत का हालात है उन पे बात को बजाय आज आप लोग पीडीएम पे बैठे हुए हैं या वो इसके रोल पे बात कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे बात करने की, मैं खुश हूँ कि आप इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज्यादा और भी ऐसे इश्यूज हैं, बल्कि हमने तो फिर कर दी पाकिस्तान वाकई इस पे नहीं बात करना जी। वो कर रहे हैं बात आपकी रहेगी, देखें कि तारक बशीर चीमा जैसे जो वजीर है वो बैठ के जी क्या मुआशरती इंसाफ होगा वहां पर, क्या वहां पर जी एक होगी एक नहीं दो पाकिस्तान जहां पे बैठ के सारे उनके घर के बच्चे बूढ़े छोटे नौकर चाकर सबको वैक्सीन लग रही है और लोग जो मर रहे हैं 70 साल से ऊपर वाले उनके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, फिर अली अमीन गंडापुर साहब का बच्चा जो है वो बैठ के गाड़ी चलाता है और उसके साथ बाप बैठ के खुद वीडियो बनाता है, वो कहता है जी ये तो कोई ऐसी बात नहीं, मेरी जमीन है मेरी चीज है जो कुछ है वो मेरा है। तो बाकी आपकी जो बात रहेगी फारूक भाई, ये जो आपने बात की कि जी पीएमएलएन वाली और आपने क्यों उसके साथ नहीं, कि देखें जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं फारूक भाई, नवाज शरीफ साहब जब ये आखिरी इजलास हुआ तो उस पर बजिद थे कि भाई आप इस्तीफा दें और हमारा बाजू ना इस्तेमाल करें, फिर जरदारी साहब ने उनको रिस्पॉन्ड किया। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब के जो सरबराही का किरदार अदा करना चाहिए था, मौलाना साहब ने भी वो किरदार अदा नहीं किया कि इजलास से कबल ही बयान दागना शुरू कर दिया, लॉन्ग मार्च को इस्तीफों के साथ नथी करना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी बेसिकली, मैं आपको एक जुमले के अंदर पीपल्स पार्टी का वो बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी चाहती क्या है, बेसिकली पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हुकूमत को गिराना है लेकिन सिस्टम को उसके साथ नहीं गिराना, सिस्टम को बचाना है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी बाकी जो इत्तेहादी लेकिन जमाते हैं, लेकिन खास साहब हुकूमत को गिराने के लिए लेकिन मौके तो आए खास साहब, एक सवाल आप सवाल सुन लें कि हुकूमत को गिराने के लिए ठीक ठाक मौके आए कि एक दिन गिलानी साहब कौमी असम्बली में जहां पर एतमाद का वोट 2 दिन बाद ले लिया, गिलानी साहब जीत रहे हैं, लेकिन वो क्या हुआ कि अगर वो लोग जो हैं अगर उठ खड़े होते और कौमी असम्बली में प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट ना देते तो फिर ये हुकूमत गिर जानी थी, तो उसके लिए पीपल्स पार्टी ने जिसने गिलानी के लिए एफर्ट किया, लेकिन गिलानी साहब ने इमरान खान को हटाने के लिए वो ताकत या जो कुछ भी चमक कह लें या हैदर गिलानी साहब की कोशिशें अगर वो इस्तेमाल करते तो क्या हुकूमत ना गिरती? बेसिकली तो इसका मतलब है इल्जाम ये लग रहा है कि ये मुकमुका हुआ हुआ है, देखिए कि गिलानी साहब सेनेटर चेयरमैन नहीं बने तो वो अपोजिशन लीडर बन रहे, ताकि ये संजरानी गिलानी ये तमीउल्लाह करीमउल्लाह मामला रहे। इससे पहले जो अपोजिशन लीडर था उसकी क्या वो हैसियत थी या क्या वो पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर लेके कुछ बहुत ज्यादा गेन करना चाहती थी? बेसिकली जो जरदारी साहब ये करना ही नहीं चाहते, ये तो बात ये है कि गिलानी साहब हमारे जो थे उम्मीदवार थे, हमने उस पर उन्होंने अपना जाती असर रसूख इस्तेमाल किया, पार्टी ने उनका असर रसूख इस्तेमाल किया, उन्होंने दिया, कुछ लोग होते हैं लेकिन लेकिन पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं? देखिए एक सेकंड, सवाल सुने सर, वो जाती असर रसूख उन्होंने अपने सेनेटर बनने के लिए किया है, लेकिन अगर मेरे मुल्क को उसका जाती असर रसूख का फायदा हो रहा है, एक नाकाम तरीन हुकूमत जो है मेरे जाती असर रसूख से खत्म हो सकती है, तो वो मैंने कहां संभाल के रखना है? वो आपने अतमाद के वोट पे तो आपने मान नहीं किए, इसका मतलब मैं मुका है हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ? अगर मेरा जुमला आप कंप्लीट होने देते तो आपको ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं यही कह रहा हूँ कि जो कुछ लोग होते हैं जो हक के सामने या बातिल के सामने आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर इतनी जुरत नहीं होती कि वो आंखों के सामने आके उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। उन्होंने जो जो वोटिंग थी खुफिया रायशुमारी से उसने उन्होंने साथ दिया और हमने एक्सपोज किया। देखें
अगर पीडीएम गद्दारी साहब की फलसफे पे चलेगी तो उनको फायदा ही हुआ, पहले भी फायदा हुआ। आप देखें कि जब पहले वो चलते रहे हैं तो जो चारों सूबों में जो चीज उन्होंने पीटीआई को एक्सपोज किया है, आवाम के सामने वो एक्सपोज हुए, इवन के वो अपने घर से नौशहरा वाली सीट भी हारे हैं, और उसके बाद सेनेट में भी जो कौमी उनका असेंबली हुआ जाति उसमें भी अच्छे खटक से बरादरी का रोला था उसमें। तो मैं खास अच्छा आप बता दें सर, पीपल्स पार्टी के हवाले से, और गिलानी साहब जो हैं अब वो अपोजिशन लीडर होंगे, साथ वाली अपोजिशन के अंदर से ही लोग जो है वो नहीं मानेंगे, और ये जो कैमरों की बात हुई है सेनेट में जो कैमरे लगे थे उस उसपे खुद गिलानी साहब जो हैं या पीपल्स पार्टी, वो आवाज क्यों नहीं उठा रही और खामोशी क्यों है, तो इस पर अगर आप ही बताना चाहें। जी फारूक भाई, जी खास पहले पहले मैं जो पीछे बातें हुई हैं उनका जवाब देता चलूं। पे जरूर जो जरूर आपने जरूर ट्वीट के हवाले से आपने बात की जो कि मुतबादल तैयार हो रहा है, मैं पहले उसका जवाब दे दूं। देखें कि मरियम नवाज साहब जो है ना वो इतने एक्सट्रीम बयान दे रही है कि खुद जो है उनके कोलीग्स जो है वो रिग्रेट कर रहे हैं कि ये क्या है, और एक ना एक दिन वो आएगा वो खुद रिग्रेट करेंगे कि क्या हो रहा है। देखें मुतबादल क्या तैयार हो रहा है उस वक्त, ये अवाम को सब कुछ नजर आ रहा है कि एक्सटेंशन जब उन्होंने दी उस टाइम क्या था, फिर मियाँ साहब को जब बाहर भेजा तो किसने उनको रिलीव किया, फिर उसके बाद मियाँ आप मरियम साहिबा का जो ट्विटर और जो मुंह बंद हुआ है 1 साल के लिए वो भी आपके सामने है, फिर सेनेट इलेक्शन पीटीआई के साथ मिलकर पंजाब में लड़ा उन्होंने, फिर आईजीआई और छांगा मांगा की सियासत भी अवाम नहीं भूली, फिर केपीके में उनकी वजह से फरतुल्ला बाबर साहब हारे, फिर जिसको खुद बाप का, फिर आपके तमाम बाप से मुलाकातें करते रहते हैं वो जो असद उम्र के भाई हैं जुबैर साहब, वो खुद बातें उनसे बिल्कुल मुलाकातें करते रहते हैं, वो फिर उनकी वो बात बताते हैं। तो बाकी जो बात थी कि मियाँ, एक और बात थी कि जब वो अपोजिशन में थे इमरान खान साहब, वो अक्सर वो एक बात कहते थे कि मियाँ जी जान दो साडी बारी आण दो, तो जैसे कि वो एक सिलेक्टर दूसरे सिलेक्टर को ये बात कह रहा है कि मियाँ जी जान दो साडी बारी आण दो, फिर जब मियाँ साहब को निकाला तो फिर उन्होंने भी कंप्लेन उनसे की कि जी हमें क्यों निकाला, तो बाकी जो भट्ट साहब और मदर साहब ने एक बात की रिलीफ के बारे में कि जी रिलीफ मिला हमें, कहाँ रिलीफ मिला, जब रिलीफ मिलेगा तो भाई उस वक्त आप बताइएगा, आज भी खुर्शीद शाह साहब अंदर है, आज इस टाइम सबसे ज्यादा यानी क्या था रिलीफ किसकी आप उम्र, उसी वक्त उस खुर्शीद शाह साहब खाजा साहब कैसा रिलीफ आप है, उम्र रिलीफ कैसी उसको मानते हैं जब वो चल बिलावल साहब हलफ ले रहे होंगे जिस दिन। रही है, आदि फरियाद जो इस वक्त सिंध कोर्टों के चक्कर लगा रही है, कौन से रिलीफ हमें मिल गया भाई जान। सही है जो यानी आपका अभी भी खुश नहीं है आप जो इसमें। कौन सा जो रिलीफ डीएसपी था, इस वक्त वो कौन सा जो डीएसपी था इतने बेसिकली कत्ल करने के बेसिकली फारूक बावजूद भाई, वो एक सेकंड नजर भाई देखें, अब मुझे भी 2 मिनट अनइंटरप्टेड चाहिए, आप अगर आधा अनइंटरप्टेड घंटा पौन घंटा बात करते रहेंगे तो उसके बाद अगर मैं 2 मिनट के लिए जरा सा मैं करूंगा तो नहीं, उस आपने वक्त सवाल बोले बोले उठाया है बोले ना, दोनों प्रोग्राम आपने करने पर मुझे सवाल उठाया क्यों ख्वाजा साहब, तब मैं बोला हूँ वरना मैं चुप करके सवाल बैठा था, आप आपने मुझ पर रिसेंट सवाल करो उठाया। मैंने आप सवाल जो पहले है मैं पहले पकड़े मतलब नहीं साहब ख्वाजा लेकिन साहब से, ख्वाजा साहब कंप्लीट कर लें। ख्वाजा साहब आप बोले सर, आप बोले सर। जी मुझे ख्वाजा साहब वो कह रहे काइंडली थे सर कि 2 मिनट जो है नहीं, अनइंटरप्टेड आपने जैसे फरमाया ना बेसिकली कि पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो मुश्किलात है, वो केसेस भुगत रही है। देखिए जरदारी साहब की पेशी होती है, वो मेडिकल रिपोर्ट अपनी भेज देते हैं मैं बीमार हूँ, उधर वो अपना देखिए ना, माशाल्लाह आप सारी एक्टिविटीज। एक तरफ आप मियाँ साहब को बिठाएं और एक तरफ आप जरदारी साहब को बिठाएं और आप खुद अपने ईमान से फैसला कर लें कि कौन बीमार लगता है आपको, आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए दूसरी चीज यह है कि बेसिकली ये हुआ क्या कि जब मियाँ साहब बहुत ज्यादा बजिद थे कि जी आप इस्तीफे दो, आप ये करो, आप फौरन दो, फिर जरदारी साहब ने रिस्पॉन्ड किया, देखें कि हम इस्तीफे देंगे, हम आप अगर को इतना ही बजिद है इस्तीफा देने के लिए तो आप यहाँ पर तशरीफ ले, हम इस्तीफे देंगे, हमारे साथ मिलकर जिद्दोजहद करें, हम जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि जिस तरह पहले आपने जो इंट सेंट वाली जो जरदारी साहब की तकरीर की बात की कि जिस तरह इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी, तो जरदारी साहब ने उनको कंप्लेन की कि देखें आपकी गवर्नमेंट में हमारे ऊपर नाजायज केसेस बन रहे हैं, तो मियाँ साहब ने उनको कहा कि आप एक दफा रिस्पॉन्ड करें, ये बयान दें और उसके साथ उसके बाद हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, जब जरदारी साहब अच्छा ने रिस्पॉन्ड लेकिन किया उसके लेकिन बाद खान मियाँ साहब साहब एक जो एक आप ही से सवाल नहीं है, आए। जी आप ही से सवाल है खान साहब। ये जो देखिए अब नून लीग या पीडीएम को अगर आप उसको कायम रखना चाहते थे तो वो मरियम साहबा के लिए कि छोटा सा होता था अपोजिशन लीडर का सेनेट का,
उसमें आपने कहा जी वो जो नून लीग तारड़ साहब लाए थे इस वजह से कि बेनजीर साहिबा के कत्ल केस में वो वकील थे, इस वजह से हम उसकी तायद नहीं कर सकते थे। तो आप अगर चलाना चाहते हैं तो फिर तो आप उनको क्या मसला था इतना बड़ा? अरुण भाई बिल्कुल मैंने आपका सवाल समझ लिया, बिल्कुल आपका सवाल मैंने समझ लिया क्या कह रहे हैं। लेकिन देखें इन्होंने किसी तरह बाजाबता तौर पे हमसे रब्ता नहीं किया, ना हमने किया। ये बेसिकली तो मीटिंग होती है, उसमें मजीद बाजाबता क्या होगा? जाब्ता होता तो उसका कोई ना कोई हल निकल आता। हमने उनको जिस तरह उन्होंने हमें मीडिया में दिया, हमने भी उसको मीडिया में कहा कि हमारे इनके साथ सो तहफात है, हम ऐसे बंदे को नहीं रख सकते जिसके साथ गद्दारी साहब का पर्सनल क्लैश भी हो। एक सेकेंड सवाल है, देखिए जस्टिस अब्दुल कयूम को जानते हैं जिसकी ऑडियो टेप लीक हुई थी, जस्टिस अब्दुल कयूम की जो जरदारी साहब की सजा से मुतालिक भावताव कर रहा था, उसी जस्टिस आप ही ने टॉपिक चलने लगाया। वो बंदा जो आपके भावताव कर रहा है, एंज करना है कि उंज करना है, जब आप उसको टाबी जनरल लगा सकते हैं तो नून लीग जो है अगर आपने उसके साथ मुआवजा किया तो वो तारण को लगाए जिसको मर्जी लगाए। ये तो आपको भागने का एक रीजन चाहिए था ना, एक वजह नहीं थी? मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह देखें कि ये जरदारी साहब का बहुत बड़ा दिल है, उन्होंने देखें हसन लुकानी को भी माफ किया, उनको भी माफ किया ना उन्होंने, जब उन्होंने उनसे माफी मांगी उन्होंने भी तो क्या वजह तारण साहब को उन्होंने क्यों सेनेटर के अपोजिशन लीडर क्यों नहीं माना सर, क्या वजह? उसके अलावा हमारी पार्टी के बहुत ज्यादा लोगों का कंसर्न था, वो अगर आके बात करते कि जी हमने ये करना है या वो ऐसी बात होती तो जरूर कोई ना कोई नतीजा निकल आता। मैं ये नहीं कहता कि जब पहले वो कहते हैं पहले तय हो चुका है गफूर हैदरी सेनेट के नायब चेयरमैन यानी वो बनेंगे वाइस चेयरमैन, उसके डिप्टी चेयरमैन, सॉरी आपको ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखे फारूक भाई, जब देखेंगे नून लीग ने पीपल्स पार्टी का जब उन्होंने कहा कि जी आप रजा रबानी को बनाए तो हम आपको वोट देंगे, जब लास्ट हुआ हमने कहा कि हम नहीं करेंगे, ये देखे ना अब उन्होंने उस टाइम भी ये किया, तो ये बेसिकली हमारी उनके साथ फिर वो क्लैश हो गया, हमने भी उसको किया। साहब उस वक्त के पीपल्स पार्टी का ये इल्जाम है कि ये जो बंदरबात है, ये जो फिक्सिंग है, ये जो खरीदो फरोख्त है, उसकी बानी पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब है, संजरानी साहब जो है जो बानी है वो भी फारूक भाई। आपके बलूचिस्तान में कोई सेनेटर नहीं होता वहां पर आपके सेनेटर? मुझे सिर्फ एक जुमला बोलने थे फारूक भाई, खुदा का वास्ता पीपल्स पार्टी पे ये इल्जाम ना लगाएं आप पीपल्स पार्टी पे। और अब मैं सर मुझे एक मिनट आधा घंटा सो इल्जाम हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी कोई दूध की धुली नहीं है, हम लोग भी खरीदो फरोख्त कभी नहीं की उन्होंने। मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात सुन लेना, आप कृष्णा कोहली को देखें जो झुग्गी में रहती है, वो सेनेटर हमने बनवाई, बैरामन को देखें, तो आपने देना है सर। आज भी पीपल्स पार्टी के पास बेस्ट सेनेटर मौजूद है जो गरीब तरीके से जो अपना अपना अब एक आध मुराद सईद है खुदा का वास्ता पीपल्स पार्टी पे ये जो यानी पहली बार जब संजरानी साहब आए थे, देखिए आप इसको डिफेंड कर लें, पहली बार जब संजरानी साहब सेनेट चेयरमैन बने थे, आप और पीटीआई ने मिलके नून लीग को शिकस्त दी थी, उस वक्त कोई खरीदो फरोख्त नहीं हुई थी, जब बलूचिस्तान में आपका एक एमपीए नहीं था, आपके सेनेटर्स बने थे, कोई नहीं खरीदो फरोख्त हुई। इस वक्त जो अपोजिशन में जो चार मेंबर बाप पार्टी के आए हैं आपके हमायती, इसमें कोई खरीदो फरोख नहीं है, हैदर गिलानी लूडो खेल रहे थे स्टूडियो में, कोई खरीदो फरोख नहीं थी, नासिर शाह जो तसल्लियां दे रहे थे वो सब गपशप हो रही थी। देखें इसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं है, इसमें यह है कि आप हमारे ऊपर वाले कैंडिडेट को वोट दें हम नीचे, ऐसा हुआ जो पहले संजरानी साहब का जो आपने पहली बात की ना, उसमें अगर संजरानी बने थे तो डिप्टी चेयरमैन किसके बने थे? अकेले तो पीपल्स पार्टी के भी डिप्टी चेयरमैन नहीं बन सकते थे, ठीक है। सलीम मांडी वाला साहब, आप पीपल्स पार्टी के सारे सेनेटर्स की लिस्ट निकाले ना, उसमें आप मुझे बताएं कौन है होंगे जो यानी कोई पैसा नहीं चला। मैं ये पॉइंट लेके आगे मेहमानों तक जाता हूँ और एक कॉल लेता हूँ। हर सब आपका पॉइंट आ गया,
आप कुछ सही तरह, मैं आपको टाइम देता हूँ सर, आप कुछ जो भी आपने कहना है कह लें, उसके बाद कश्मीर इश्यू और ये जो तजारत शुरू हो रही है इस पर, बल्कि इस पर भी पॉइंट आप ही दीजिए, तजारत सही है, कश्मीर इशू बाद में हल होता रहेगा। जी खान साहब देखें, पहली बात तो ये है कि जी कश्मीर इन्होंने जो है सीधी सी बात है, कश्मीर का तो इन्होंने सौदा कर दिया, कश्मीर क्या इशू क्या है, हाल इन्होंने करना है, बैठे हुए कश्मीर वाले ऐसे लोग कर्फ्यू इधर कोरोना से साल पहले का लगा हुआ है, क्या इन्होंने कश्मीर इशू फारूक भाई हल करना है, क्या होगा। और जिस तरह आज इन्होंने कल परसों स्टेट बैंक को भी भेज दिया, ये तो फर्क सब कुछ करने जा रहे हैं, ये आस्ता आस्ता आपको इस चीज के जो समरात हैं वो आपको मिलते रहेंगे। फिर क्या बात इनमें यह है कि भी एक इनसे इनके पास बात है, जब आप इनसे पूछो कि यार आपने क्या किया जी, वो जो पिछली गवर्नमेंटों ने ये कर दिया वो कर दिया, बाकी बात यह है कि फारूक भाई एक छोटी सी आपको पंजाबी की शायरी है, भट्ट साहब भी बैठे हैं ये भी महसूस होंगे, एक गल पल्ले पैंदी नहीं, ईमानदार अंडा जे दा चोर आटा सी सत्तर दा किलो हुण आटा सत्तर दा, कमीशन खोर सी जदू यकीनी सठा दी सी अदू दे चीनी, उन्हें अच्छा मजहबी सच्ची दीनी 100 रुपए 110 रुपए किलो की चीनी बदल बदल वहां से वर्दी वाले दौर का कोई रेट लेके आ गया, कोई से आके ना वर्दी दे दौर से 5-10 अड्डा, मैं फिर की करेंगे असि बदलवान से जरा क्यों 120 किलो उन जे हक लाल दा क्यों 200 रुपए दा जे क्यों आराम दी से जे कमाई सस्ती जी सी उस टाइम दवाई उन जे साफ शफाफ जे आई देंदे पे ने बीमार दुहाई, सही है 60 रुपए यानी चलो पेट्रोल जी हाँ, बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क हो गया बिल्कुल सही, मैं एक कॉल लेके फिर पेट्रोल हाँ लोगों ये नहीं है निकोल उन्हें पेट्रोल साफ शफाफ उन्हें दादे लीटर आफ, आई गल आई गल नहीं नहीं मौजूदा बिल्कुल सही है, डॉलर दी 160 दी सी ना जरूरी सब्जी अच्छा पत्ती चावल ते दाल इना दा भी ये बुरा हाल, करप्ट रोटी सी 7 रुपए दी ईमानदार रोटी जे 12 दी, मैं हुन तुहाडे सामने सारी मैं के बट आ गया जी, आ गया सर, तुसी अपना थोड़ा राजा राजी कर लो सर, तुसी खुश हो जाओ।